सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं मैं। और चलिए आज आप लोगों को वही देखा हुआ थीपाकोल लेके चलता हूं, क्योंकि आज बड़ा धूमधाम से हम थीपाकोल में जाएंगे और बड़ा धूमधाम से वहां का नज़ारा एंजॉय करेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया दिखाएंगे आज कैसे इंजॉय करेंगे और कैसे मस्ती करेंगे। तो अभी फिलहाल हम यहीं से तीन जने निकलेंगे, तो आगे आगे और भी दोस्त मिलेंगे, तो मिलते हैं अभी आप लोगों को आगे में। तो गाइस अभी हम यहां पर पहुंच गए हैं, आप लोग देख सकते हो। तो अभी हम ये वाले रास्ता में जाने वाले हैं, ठीक है ना? तो चलिए आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। गाइस अभी हम यहां पर पहुंच गए हैं। पिछली बार जब आया था ना, तो मैं सबसे नीचे में गया था और अब आ गया हूं सबसे ऊपर में। ऐसे स्टार्ट होता है, मुझे लगता है यही फर्स्ट वाटरफॉल है छोटा वाला। अब इससे नीचे में ना और छोटा छोटा बड़ा बड़ा करके ना और भी है। तो पिछली वीडियो में तो मैं आप लोगों को अच्छा से वीडियो डिटेल से दिखा दिया था, और इस बार क्या है, हम थोड़ा पिकनिक में आए हैं तो यहाँ पर आग जलाना स्टार्ट कर दिए हैं। देख सकते हो अभी यहाँ पर खाना वाना बनाएंगे, चिकन विकन बनाएंगे, और वहाँ सब्जी और क्या धनिया पत्ती प्याज व्याज सब कटाई किया जा रहा है, देख सकते हो। तो चलिए लाइन पर बने रहिए, आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया डिटेल से दिखाएंगे कैसे इंजॉय करेंगे। तो हमारा खाना यहाँ पर बनके रेडी हो गया है, और सब्जी देख सकते हो लेग पीस है। तो अभी हम यहाँ खाना स्टार्ट करेंगे, और वहाँ पे भी दर्शक बंधु लोग आ गए हैं, नीचे और भी हैं, तो अभी एंजॉय करते हैं। तो आप लोगों को आगे आगे अपडेट देते रहेंगे, अभी नीचे जाएंगे और बढ़िया से बढ़िया घूमेंगे एंजॉय करेंगे बढ़िया से बढ़िया तरीके से। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो कैसा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में पता ही है क्या लिखना है, तो जो फटाफट से भर देना कमेंट बॉक्स। देख सकते हो हम अभी लेग पीस का आनंद ले रहे हैं, यहाँ पर सब लोग बैठ गए हैं, देख सकते हो ये अपना टकले लखा जो बढ़िया ही स्वादिष्ट से खा रहा है। इसका नाम ना एक्चुअली ना इसका नाम सुअर है, जो अभी देखना कैसे सुअर के भांति खाएगा। तो चलिए अभी हम भोजन ग्रहण करते हैं और आप लोगों को आगे का वीडियो दिखाते हैं, कैसा आगे कैसे घूमेंगे तो वो सब चीज़ दिखाते हैं। अभी थोड़ा बहुत इसमें चिकन बचा है और खाना तो और बचा है, तो देखते हैं वेस्ट नहीं करेंगे कह रहे हैं, क्या होता है तो पता नहीं, खाने के बाद पता चलेगा। खाना पीना हो गया ख़त्म, नहा भी लिए मैं, तो आप लोगों को दिखाता हूँ बढ़िया, देख रहे हो ना अभी नहाया, लेकिन इतना पसीना निकल रहा है कि क्या ही बता सकता हूँ, पूरा पसीना अभी जस्ट नहाया और पूरा पसीना से लथपथ हो गया हूँ। तो चलिए चलते हैं आगे, यहाँ पर देख सकते हो ना सब चलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, आए थे इसी रास्ते में ही आए थे, अभी चल रहे हैं, चलते हैं और आगे की आगे जो जो है वो दिखाते हैं। वीडियो के साथ रहिए। अभी हम पहुंच गए हैं ये वाला लोकेशन में, आप लोग देख सकते हो ना, ये भी एक वाटरफॉल है, ये भी एक है, मतलब कुल मिलाकर तीन हो गया है, और नीचे भी और एक है, मतलब कुल मिलाकर बताए तो यहाँ छठ एक वाटरफॉल है। तो चलिए नीचे चलते हैं और दिखाते हैं, पहले भी आया था तो आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया तरीके से मतलब डिटेल से बता दिया था। तो ये तो पिकनिक के नाम पर आए थे, तो चलिए एक ब्लॉग बना देते हैं करके बना दे रहे हैं। अभी मैं पहुंच गया हूं यहां नीचे पर, वहां दोस्त लोग ऊपर में हैं और मैं यहां नीचे पहुंच गया हूं। अभी नीचे पहुंचने के बाद ये लगता है काफ़ी गड्ढा है, कौन सा वाला गड्ढा, मैं तो बहुत ज़्यादा गहरा है, पैसा बता रहे थे एक दादाजी मिले थे, तो अब उधर चल के वो वाला साइड भी देखना है, तो हम उधर जाके देखेंगे कैसा कैसा नज़र है। तो यहाँ पे तो बढ़िया पानी निकल रहा है, हम लोग तो कहीं और में नहा लिए थे, यहाँ नहाए रहते तो थोड़ा और मज़ा रहता, नीचे नहाए रहते तो और थोड़ा मज़ा रहता, उसके नीचे नहाए रहते तो और थोड़ा मज़ा रहता। तो कैसे करेंगे, चलो उधर चलो,
हाँ उधर चलो और उधर देखते हैं। नीचे में कुछ इस प्रकार दिख रहा है। तो अभी हम लोग क्या नीचे साइड आ जाते हैं और भाई लोग चल दिए हैं, मैं पीछे में हूँ, तो मैं भी थोड़ा सा अपना गति बढ़ा लेता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को। काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, बढ़िया लग रहा है यार, अच्छा फेमस जगह है, आप लोग भी आओ। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग आया करो, बढ़िया जगह है। तो चलिए मैं थोड़ा आगे चल के आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं पिछली बार आया था वीडियो में तो यहाँ पर ही अपना इंड वाला वीडियो बनाया था मैं, यहाँ पर जस्ट यहाँ पर ही। तो इधर से जस्ट और थोड़ी देर मैं चढ़ जाए रहता ना तो उधर का जो लास्ट वाला ना वो भी दिख जाए रहता। तो मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ फिर से यहाँ पर, क्योंकि उस बार जो वीडियो डाला था वो यहाँ पर ही एंड कर दिया था और लगभग मैं यहीं पर ही बैठा था और वीडियो बना रहा था। आप लोग रहिए, कैसा लगेगा कॉमेंट में बताइए। अभी मैं यहाँ नीचे पहुँच चुका हूँ। पिछली बार जब आया था तो यहाँ पर बहुत लोग नहा रहे थे, आप लोग जो पिछले वाला वीडियो में देख ही लिए होंगे। तो अभी क्या है, बहुत टाइम हो गया है तो अभी हम चल रहे हैं घर की ओर। तो चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहाँ पर ही हम एंड करेंगे। वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए यार। पिछली बार जब आया था तो मतलब हाँ तीन वाटरफॉल के पास आ गया था और अभी ये जो इधर देख रहे हो ना, इधर वाले तीन वाटरफॉल भी कवर कर लिया। जो मैं पहले भी उधर आया था लेकिन उस टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था तो उस टाइम आया था। अभी क्या थोड़ा सा चढ़ दिया है ना, चढ़ाव को तो थोड़ा सा हाव लग रहा है। चलते हैं, टाइम भी बहुत हो गया, अभी घर भी जाएंगे। तो अब मिलते हैं कभी और नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो के साथ ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रहना, आप लोगों का सपोर्ट प्यार इतना मिल रहा है क्या ही बोल सको, जितना धन्यवाद करूं आप लोगों को उतना ही मेरे लिए कम है। मैं तो आप लोगों का जितना प्यार मिलता है उतना ले भी नहीं पाता। कई लोगों मिलते हैं रास्ते में तो मैं उन लोगों को सही ढंग से मिल भी नहीं पाता, थोड़ा सा बुरा लगता है, अच्छा से मिल नहीं पाता। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं उन लोगों को जानता नहीं और वो लोग आ जाते हैं और कैसे भाई, फिर भी मैं आज तक किसी को भी इग्नोर नहीं किया हूँ, जितने भी पूछे हैं ठीक हूँ, ठीक है आप लोग कैसे हो, ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बने रहना। जब भी मिलते हैं कोई ना कोई तो मैं ऐसा बोलते रहता हूँ, पसीना बहुत आ रहा है यार। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सियाराम। तो और एक बात दोस्तों, यहाँ पर जितने भी घूमने आते हैं या घूमने आ रहे हो तो यहाँ पर ना बहुत कचरा कर दे रहे हैं, तो ये गांव वाले ना पूरा तंग होके रास्ता पूरा जाम कर दिए, फिर भी यहाँ लोगों का आना जाना लगा है। उनका भी कहना ठीक है, आप लोग देख सकते हो कितना यहाँ पर गंदगी फैला रहे हैं, पी खा के यहीं पर भी ऐसे छोड़ देते हैं तो ये ठीक नहीं है। इसलिए आप लोग यहाँ पर आ रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी ऐसा मत कीजिए। बहुत यहाँ दारू जितना हो सके उतना पी के इधर फेंक दे रहे हैं, उधर फेंक दे रहे हैं, पता नहीं पॉलीथीन वॉलीथीन जितना भी थाली क्या क्या सब यहाँ पर दिख रहा है, देख सकते हो मेरे पीछे। यहाँ मतलब फर्स्ट से लास्ट तक ही ऐसा है, तो आप लोग ऐसा ना करिए यार। मेरे अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो कृपया करके ऐसा कहीं भी जाते हो ना ऐसा मत कीजिए भाई, क्योंकि इससे ठोस पहुंचता है गांव लोगों को, उन लोगों के गांव में ऐसा रहता है और उतना दूर दूर से आते हैं और यहां पर ऐसा गंदगी करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना सामने वाले को ही। अब देखो आप लोगों को ही देखो, आपके घर में कोई जाएगा और ऐसे गंदगी फैलाएगा तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ध्यान को मद्देनज़र रखते हुए यार